बिल्कुल राजीव, यानी इस दूसरे लिस्ट से कई संदेश यहां पर देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मसलन जिन जिन मुद्दों से इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी जूझ रही है, उन्हीं सबको सेटल डाउन करने के लिए ये रणनीति जो है यहां पर लगाई गई है। लेकिन बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले राजनीतिक पैनलों का भी अब मैं रुख करने वाली हूँ। और मैं सीधा रुख कर रही हूँ ब्रिज गोपाल जी आपके पास सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपकी ये लिस्ट आई है और कांग्रेस का सीधा सीधा जो तंज आया, ट्वीट भी आ गया, बयान भी आ गया कमलनाथ का, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया हार का ही ये डर है जिसकी वजह से अपना ये आखिरी दाव, झूठ का आखिरी दाव ये चल दिया है बीजेपी ने। देखिए, एक तो कांग्रेस क्या कह रही है वो बड़ा टिप्पणी करने लायक नहीं है, परंतु मैं बड़े गर्व के साथ आज ये कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल अभी 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसमें कांग्रेस जो पहले अपने आपसी संघर्ष से जूझ रही थी, आज वो भयभीत और हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का, परंतु आज ये भी सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सक्षम नेता हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने में सक्षम है, इस राज्य को चलाने में सक्षम है। और ये जितने नेताओं के टिकट आज जारी हुए हैं, जो नया विकसित मध्य प्रदेश बना है, सबकी भूमिका से बना है, किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है। निश्चित है कि हमने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बदलने का काम किया है, परंतु जो मध्य प्रदेश में परिवर्तन आए हैं उसके साक्षी नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। आप याद करिए, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री हैं और उसके तहत मध्य प्रदेश के विकास को अपनी गति और ऊर्जा दे रहे हैं। तीसरी बात, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं कि हमने जो प्रयोग करे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए जानी ही जाती है कि हम प्रयोग करते हैं। अभी एक साल पहले से आपको मालूम है कि कुछ लोग कह रहे थे कि गुजरात फार्मूला आएगा, तब मैंने कई चैनल्स पर कहा था कि गुजरात फार्मूला नहीं, हम कभी खुद को भी कॉपी नहीं करते, हम हमेशा नया काम करते हैं। और मैंने तब भी कहा था कि हम मध्य प्रदेश में जो फार्मूला लाएंगे वो फार्मूला कांग्रेस को चारों खाने चित करेगा। आज कांग्रेस का के पास संकट चुनाव में खड़े रहने का है, आज कांग्रेस के पास इसका संकट है कि कांग्रेस इनसे लड़ने में भी सक्षम नहीं है। एक तरफा चुनाव करने का जो काम केंद्रीय नेतृत्व ने किया है वो कांग्रेस के लिए शॉकिंग है। और जो रणदीप सुरजेवाला जी के बयान की आप बात कर रहे हैं, 10 सेकंड और दें, जो रणदीप सुरजेवाला जी के बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग हमें वोट देने वालों को असुर कहते हैं, इस देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देते हैं, उनकी बात को कौन गंभीरता से लेगा और क्यों लेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का विकास किया है, इस प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य बनाया है और आज हमारा नेतृत्व चुनाव में जा रहा है। और अभी तो कांग्रेस को चेतावनी देता हूं कि केवल एक तिहाई की सूची जारी हुई है, अभी दो तिहाई की बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या।